प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना है, इस वक्त हम मौजूद है उसी साइट पर जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो बन रहा है। आपको दिखाते हैं, ये है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पहली झलक। और आज तक देश का ऐसा पहला चैनल बन गया है जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर जाने की अनुमति मिली है। यहाँ से हम आपको लेके चल रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में और दिखाते हैं किस तरीके का होगा ये प्रधानमंत्री का सपना, क्या क्या खास बातें रहेगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर। आइए आपको लिए चलते हैं। हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल नीचे आके खड़े हुए हैं और यहाँ से अगर मुझे ऊपर का हिस्सा देखना है तो पूरा सर पीछे ले जाना पड़ेगा। दरअसल 182 मीटर ऊंची ये सरदार पटेल की लोहे की प्रतिमा है जो कि अगर जमीन से बात की जाए तो जमीन से करीब 220 मीटर की ऊंचाई पर यह प्रतिमा पूरी लगती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रल करने वाले हैं, जिसके चलते जो काम है वो काफी तेजी से चल रहा है। आपको हम एक बहुत दिलचस्प चीज दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लोहा लगाया जा रहा है, ये लोहे की वो प्लेट्स है जो ऊपर जाती है और वहां पे जहाँ पे इसका हिस्सा होता है वहां पे इसे लगाया जाता है। बेहद दिलचस्प एक जो कंस्ट्रक्शन वर्क हम कह सकते हैं वो है ये, क्योंकि जिस तरीके से इतनी ऊंचाई पे इस प्रतिमा को बनाना और खास करके एक ऐसे साधु बेल्ट आइलैंड पे बनाना वो एक काफी चैलेंजिंग पूरी प्रोसेस थी। और वैसे में जिस तरीके से यहाँ पे ये काम किया जा रहा है वो बहुत ही दिलचस्प है। सारे अलग अलग टुकड़ों को यहाँ पे लाया गया है, पूरी लोहे की एक फ्रेम बनाई गई है स्टैच्यू के अंदर और इसी फ्रेम पे ये सारी चीजें यहाँ पे फिट की जाती है। पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो अब बनने को तैयार है। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये पूरा जो है ये पूरा नया ब्रिज बनाया गया है। ये ब्रिज जो है ये आम लोगों के लिए ब्रिज रहेगा। यहाँ से जो विजिटर आएंगे वो यहाँ से अंदर आएंगे और सरदार पटेल की जो प्रतिमा है वहां उनके पैर तक पहुंचेंगे। दरअसल जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये सीढ़ियां जो है वो सीधी सरदार पटेल की प्रतिमा के पास पहुंचेगी और वहां पे दो लिफ्ट यानी एलिवेटर्स लगाए गए हैं जिसके जरिए एक साथ 200 लोग ऊपर जा पाएंगे। और सरदार पटेल का जो सीना है वहां पे एक पूरा गैलरी टाइप बनाया गया है जहां से सरदार सरोवर बांध का आपको हम दिखाते हैं। वहां पे यहाँ पे सरदार पटेल की ये प्रतिमा है और वहां पे जो सरदार सरोवर बांध है वो बना हुआ है और पीछे के साइड में उसका पानी का कैचमेंट इलाका है। ये पूरा हिस्सा जो है इसकी खूबसूरती जो है वो ऊपर गैलरी से लोग देख पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है क्योंकि 31 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और 2013 में इसी का भूमि पूजन भी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जो कि आज देश के प्रधानमंत्री है उन्होंने किया है। तो वैसे में उनके लिए ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो ना सिर्फ 2019 के लिए एक चुनावी मुद्दा होगा बल्कि खुद का जो सपना है वो भी पूरा होते हुए साकार होते हुए वो देखेंगे। जब आप सीढ़ियों से स्टैच्यू के अंदर आएंगे ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका जो है वो एग्जीबिशन हॉल का इलाका है। यहाँ पे तरह तरह के एग्जीबिशन दिखेंगे, साथ ही यहाँ पे कैफेटेरिया भी बनेगा। और सबसे दिलचस्प जो हिस्सा है वो इस स्टैच्यू का बेस है। आपको हम दिखाते हैं ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये पूरा आरसीसी का मटेरियल है, आरसीसी कंस्ट्रक्शन है जिसके ऊपर ये पूरा लोहे की परत लगाई गई है। यहीं से एलिवेटर के जरिए आपको हम दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे अभी एलिवेटर लगाने का जो काम है वो चल रहा है। दरअसल यहाँ पे वो एलिवेटर्स लगेंगे और यहाँ से सीधा जो सरदार पटेल की स्टैच्यू में ऊपर की हिस्से में जो गैलरी बनाई गई है वहां पे जाया जाएगा और यहीं से ऊपर का पूरा नजारा जो है वो लोग देख पाएंगे। दरअसल अभी एलिवेटर लगाने का जो काम है वो चल रहा है और ऊपर यहां से ही जो लोग आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे और जो इस पूरे स्टैच्यू का सबसे आकर्षित कर देने वाला हिस्सा है वो यही है। यही से एलिवेटर के जरिए ऊपर जाना है। 200 लोगों की कैपेसिटी बनाई गई है, करीब 180 मीटर पर
जमीन से 180 मीटर पर ये बालकनी आएगी, जो गैलरी रहेगी वहां से लोग ये पूरा नजारा देख पाएंगे। बेहद खूबसूरत रहेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए ये बेहद चैलेंजिंग काम भी है जो फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। नर्मदा नदी पर बंधा सरदार सरोवर बांध, जिसकी ऊंचाई 146.5 मीटर है, जो कि देश का सबसे ऊंचा बांध है, और वहीं से ये सड़क जो आप देख रहे हैं, उसी सड़क के जरिए सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा पर पहुंचा जाएगा, जिसकी किलोमीटर है 3.2। यानी यहां से सरदार सरोवर की जो रास्ता है वो करीब 3.2 किलोमीटर है, और सरदार पटेल की ये सबसे बड़ी प्रतिमा जो यहां पे नर्मदा नदी के किनारे पे साधु बेल्ट पे बनाई गई है, इसकी ऊंचाई 182 मीटर, और अगर जमीन से कहे तो 220 मीटर की ये पूरी ऊंचाई रहेगी। और आप जो देख रहे हैं, सरदार पटेल का जो जैकेट है वो बनके तैयार हो गया है, साथ ही उनकी जो शॉल है वो भी बन चुकी है, जिस गैलरी में लोग खड़े होकर पूरी वैली का नजारा देखेंगे, वो नजारा, वो जो प्लेटफॉर्म है वो भी अब बन चुका है, और अब सरदार पटेल का जो सर है वो लगाने का काम शुरू हो जाएगा, और माना यही जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक सर लगाने का जो काम है वो खत्म हो जाएगा। सबसे दिलचस्प अगर हम आपको बात बताएं तो जो जैकेट पे लगा बटन आप देख रहे हैं, ये बटन की जो अगर हम कहें ओवरऑल जो कद है वो करीब 2.5 मीटर से भी बड़ा है। यानी जो यहाँ से एक छोटा सा बटन जो दिख रहा है, उसका जो लंबाई है, जो कद है, वो 2.5 मीटर से बड़ा है। पूरा एक अपने आप में एक अजूबा हम कह सकते हैं, विश्व की सबसे ऊंची ये प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगनी ऊंचाई है इसकी। और खास बात यह है कि यहाँ पे जो लोग आएंगे उनको बहुत सारे आकर्षण भी देखने मिलेंगे, ना सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की जीवनी पे बना हुआ एक पूरा एग्जीबिशन देखने को मिलेगा, साथ ही ये जो बड़ी वाली सड़क रहेगी यहाँ पे फूड कोर्ट के साथ साथ बच्चों के लिए भी कई सारी ऐसी एम्यूजमेंट पार्क जैसी चीजें बनाई जाएगी, साथ ही नर्मदा नदी जो सरदार सरोवर बांध से पानी आएगा, ये वैली का जो नजारा है वो भी लोग देख पाएंगे, और जहां पे ये पूरी नदी आती है वहां पे बोटिंग लोग कर पाएंगे। और काफी सारा ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसकी नींव जो है वो 2013 में खुद प्रधानमंत्री ने रखी थी, और अब 2019 में इसका इनोग्रल, खास करके अभी अक्टूबर में इसका इनोग्रल किया जाएगा, और 2019 का जो चुनाव आ रहा है उसके लिए एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कहा जाता है कि वो जो चीज की नींव रखते हैं, जिस प्रोजेक्ट की नींव वो रखते हैं, उसी प्रोजेक्ट का इनोग्रल भी वो खुद ही करते हैं। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ गोपी घांगर, नर्मदा आज तक।